जिस बच्चे की रैंकिंग अभी चल रही है वो बच्चा एक एग्ज़ाम में फोकस करे कि वो जाके काउंसलिंग अटेंड करे। आज इन्हीं सेट का एग्ज़ाम था, कल सेवन्थ को काउंसलिंग थी। जो बच्चा 400 किलोमीटर जिनका काउंसलिंग पड़ा होगा ऑफलाइन जाके वो जो दिया होगा तो वो कैसे रिटर्न आएगा? तो अगर आप जाते हो और अगर अपनी मनचाही ब्रांच भी आपको नहीं मिलती उस रैंक पे, तो आप वापस आके ये चाहोगे ना कि हमें थोड़ी समय दी जाए ताकि हम और मेहनत, दुगनी मेहनत करके हम अगले एग्जाम में और बेहतर करके वो अपने मन, अपना ड्रीम पूरा कर सके। ये कब दिया था जो लास्ट, जो अभी आप एग्जाम की बताने जिसको 11th सितंबर को एक पिछले साल की जो एग्ज़ाम है उसकी काउंसलिंग चल रही थी और कल वो ऑल इंडिया ओवर हुई है। बट अभी हम और इस साल का एग्ज़ाम हमारा 21st मई का पोस्टपोन हो, कैंसिल क्यों होगा? ठीक है, अगर देखिए एग्जाम दिलाने में कोई बच्चा नहीं डरता है, ठीक है, आप टाइम टू टाइम चीज़ों को ख़त्म कर देते। इसके पहले जो 12th मार्च को जो पोस्टपोन हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले काउंसलिंग होनी चाहिए और काउंसलिंग खत्म करने के बाद में फिर आप एग्जाम लो, 12th मार्च वाला भी पोस्टपोन हो गया जो 21st मई को हुआ। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं जननित आवाज। इस समय मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर, जहां पर मेरे साथ हैं कुछ डॉक्टर्स, यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनसे जानते हैं कि आखिर क्या मुद्दा है, किन मांगों को लेकर वो कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इनका बैनर दिखा देता हूं, जिससे पता चलता है कि ये जो एग्ज़ाम यहां के पोस्टपोन के मुद्दे को लेकर यहां पर है और डॉक्टर्स का ये प्रोटेस्ट है यहाँ पर। क्या किन मांगों को लेकर हैं ये और क्या इनकी समस्या है वो जानते हैं। सबसे पहले मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर काजल। अच्छा काजल जी, क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानी है आपको जो यहाँ पे आना पड़ा? सर मुद्दा ये है कि नीट पीजी और लास्ट ईयर की जो काउंसलिंग है, जो 11th ऑफ सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था नीट 2021, सर उसकी काउंसलिंग आज एट मंथ अराउंड हो गया, उसकी काउंसलिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और ये नेक्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं जो कि क्लैश हो रहा है। तो लॉजिकली और टेक्निकली आप अगर देखेंगे तो आप एक, जब तक कि आप कोई रिजर्व नहीं कर देते हैं आप कोई सीट, आप एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कर सकते हैं? जिस बच्चे की रैंकिंग अभी चल रही है वो बच्चा एक एग्ज़ाम में फोकस करे कि वो जाके काउंसलिंग अटेंड करे। आज इन्हीं सेट का एग्ज़ाम था, कल सेवन्थ को काउंसलिंग थी। जो बच्चा 400 किलोमीटर जिनका काउंसलिंग पड़ा होगा ऑफलाइन जाके वो जो दिया होगा तो वो कैसे रिटर्न आएगा? आज तो इन्हीं सेट का एग्ज़ाम है ना, एम्स का एग्ज़ाम था आज, तो वो कैसे रिटर्न आएगा? वो कैसे, वो उसके पास में चॉइस क्या रहेगी फिर? वो काउंसलिंग अटेंड करे कि वो एग्ज़ाम दे? नहीं तो जो काउंसलिंग हुई तो उसके बाद कोई रिजल्ट कुछ वैसा, वो तो सर वो तो आप वहाँ पे जाके आपको रिजल्ट पता चलता है ना। आप वहाँ जाते हैं, आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होती है, सुबह से होता है, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होती है, सीट्स के वो होते हैं, इतने सीट्स हैं, इस डिपार्टमेंट में इतने सीट्स हैं, पूरा दिन चलता है सर, कई बार तो मिडनाइट हो जाता है काउंसलिंग खत्म हो। आप लोगों ने फिर कहाँ आवाज़ उठवाई इसकी, कब प्रशासन से बोला, किसी कॉलेजों से बोला, लेकिन क्या इसमें कुछ निर्णय निकला, क्या कुछ समाधान निकला जब आपने आवाज़ उठाई? सर हेल्थ मिनिस्टर से मिलने की कोशिश की थी लेकिन सर ने डिनाई कर दिया है मिलने से, ठीक है, और वो मिलना नहीं चाहते और वो बोलने के एग्ज़ाम उसी डेट पे होगा जिस डेट पे है। तो टाइम कहाँ बचा है इसमें एग्ज़ाम? 21st को तो एग्ज़ाम ही है। अच्छा आज से, मतलब आज क्या हो गए, 13 डेज काउंट करके 13 डेज में, और अभी तक के काउंसलिंग आसाम का स्ट्रेट राउंड आई थिंक ना, आसाम का स्ट्रेट राउंड कैंसिल हो चुका है, अभी स्टेट काउंसलिंग सभी सारी बाकी है। आप चाह रहे हैं भी कैंसिल हो जाए, अभी पोस्टपोन्ड हो, कैंसिल क्यों होगा? ठीक है, अगर देखिए एग्जाम दिलाने में कोई बच्चा नहीं डरता है, ठीक है, आप टाइम टू टाइम चीज़ों को ख़त्म कर देते। इसके पहले जो 12th मार्च को जो पोस्टपोन्ड हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले काउंसलिंग होनी चाहिए और काउंसलिंग खत्म करने के बाद में फिर आप एग्जाम लो, 12th मार्च वाला भी पोस्टपोन हो गया जो 21st मई को हुआ। इन्होंने एक थर्ड अभी कब दिनेश एक थर्ड राउंड भी था उसको भी कैंसिल किया। क्यों? आप अपना टाइम पे चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए एग्जाम दिलाने के लिए, हम सब सीट वेस्ट होता है ना, और कम से कम एक सीनियर मोस्ट ये कहा, मतलब सीट वेस्ट हो रही है, उनकी तैयारी है, आना जाना है, सब कुछ है, सारा सब चीज है ना, और ऊपर से कहीं ज्यादा एग्जाम की रजिस्ट्रेशन भी क्लोज हो गई है 25th मार्च को। तो जिस बच्चे को अगर मान लो आप एग्जाम, अगर हम कहीं मैं जाती हूँ एग्जाम देने, अगर मुझे वो सीट नहीं मिलती है तो हमारे इस साल का रजिस्ट्रेशन भी क्लोज है, तो हम इस साल का जो एग्जाम है वो भी नहीं दे सकते, तो पूरा एक साल बर्बाद हो जाता है हमारा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पहले 25 मार्च को क्लोज कर दी गई है। एनबी मतलब नहीं, जिन, एक बात आप समझाएं, जिन्होंने एग्जाम दे दिया है अब वो रिजल्ट का इंतजार करेगा, अपनी आने का इंतजार करेगा कि मैं हूँ, सिलेक्ट हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, वो नहीं आता,
वो जब हम वहाँ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है, सारे कुछ होती है, तो ही आपको पता चलता है कि आपको वो मिल रही है कि नहीं। ऐसा है, अगर यहाँ से 1000 बच्चे एक जगह गए हैं काउंसलिंग अटेंड करने, ठीक है, उस कॉलेज में नहीं, आपको नहीं पता कौन सी सीट किसको कब मिल जाए, राइट, ठीक है। अब उस 1000 बच्चों में सारे का तो नहीं होगा, बट सारे बच्चे गए तो हैं ना वहाँ पे काउंसलिंग अटेंड, क्योंकि वो कंपल्शन था। हमने जो ऑनलाइन जो सबमिट किया है, अपना फॉर्म सबमिट किया है काउंसलिंग का, वहाँ जाके हमको अटेंड करना तो ज़रूरी है, क्योंकि वो कंपल्शन था। लेकिन 1000 बच्चों को सीट तो नहीं मिलेगी, जितनी सीट वहाँ अलॉटेड, मतलब उतनी ही मिलेगी। लेकिन चलो ठीक है, वहाँ पे 50 सीट है, तो बाकी जो 950 बच्चे हैं वो तो गए हैं ना, उनका तो एग्ज़ाम छूट जाएगा आज का। सबकी अपनी मन एक इच्छा भी होती है कि हम आगे चल के फिजिशियन हो या फिर हम पीडियाट्रिशियन हो, तो अपनी मनचाही ब्रांच भी होती है। तो अगर आप जाते हो और अगर अपनी मनचाही ब्रांच भी आपको नहीं मिलती उस रैंक पे, तो आप वापस आके ये चाहोगे ना कि हमें थोड़ी समय दी जाए ताकि हम और मेहनत, दुगनी मेहनत करके हम अगले एग्जाम में और बेहतर करके वो अपनी मन, अपना ड्रीम पूरा कर सके। कब दिया था जो लास्ट जो अभी आप एग्जाम के बताने, जिसको 11 सितंबर को एक पिछले साल की जो एग्जाम है उसकी काउंसलिंग चल रही थी, और कल वो ऑल इंडिया ओवर हुई है। बट अभी हम, और इस साल का एग्जाम हमारा 21 मई को है, तो हम यही चाहते हैं कि हमें थोड़ा समय दिया जाए और एग्जाम को थोड़ा पोस्टपोन किया जाए। पहली काउंसलिंग जो नहीं, आपने फिर कहाँ कहा इसकी आवाज़ उठाई, इसके प्रदर्शन के अलावा आपने हेल्थ मिनिस्टर के बताया? जी हाँ, हमारे तरफ से मोर देन 20 MLA लेटर, MP लेटर्स भी गए हैं। अच्छा। सब कुछ है, डॉक्टर्स एसोसिएशंस भी हमारी हेल्प कर रही हैं, क्योंकि सभी समझ रहे हैं कि डॉक्टर बनना बहुत आसान नहीं होता, और हमारे पास कोई एक दो सब्जेक्ट्स नहीं है, वी हैव 19 सब्जेक्ट्स, 19 सब्जेक्ट पढ़नी होती है, वो आप 10 दिन में रिवाइज नहीं कर सकते, पॉसिबल ही बिल्कुल ही नहीं। और ऐसी भी हो सकती है कि पिछले साल से भी बुरा रैंक आ जाए, अगर आप रिविजन ना करो तो क्या फ़ायदा फिर, और हमें तो मौका ही नहीं मिल रहा। कहीं और गए आप मिनिस्टर्स के अलावा? कहीं पीएमओ को मेमोरेंडम भी दिया था, वी हैव गिवन द मेमोरेंडम टू प्राइम मिनिस्टर आल्सो। क्या जवाब मिला? नो, वी डिड नॉट गेट एनी रेस्पॉन्स, एंड व्हाट वी आर डिमांडिंग इज वी जस्ट वांटेड टू पोस्टपोन द एग्जाम फॉर 1.5 to 2 months एटलीस्ट, एंड दे कैन कंडक्ट द काउंसलिंग, दे कैन गिव द रिजल्ट्स क्विकली, सो दैट दिस डजंट अफेक्ट द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। सो वी डेढ़ दो महीने आप चाह रहे हैं, डेढ़ दो महीने आपके लिए काफी है। चाहिए जब हमें, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम बस इतना कह रहे हैं कि हमें थोड़ा समय दिया जाए ताकि हम रिवाइज करके जो हमारे, कितने आपके साथ स्टूडेंट्स होंगे जैसे प्रोटेस्ट में भी, कितने अभी और आएंगे क्योंकि 70 70 के साथ होंगे। हाँ, लगता है, उम्मीद है कुछ जवाब मिलेगा, पोस्टपोन्ड होगा या फिर अभी देना पड़ेगा? बहुत उम्मीद से आए हैं, बस हम यही पीएमओ को। कहाँ के हैं आप ऐसे डॉक्टर? हम तो, मैं तो नोएडा से हूँ, डॉक्टर पूजा, और मैं आंध्र से हूँ। कितने, मतलब कितने स्टेट्स होंगे जो आपके साथ हैं? सब, सारे, पूरा पैन इंडिया है सारे। बस अब दिल्ली तो सब नहीं आ सकते। अच्छा, अच्छा। क्योंकि सब अलग अलग स्टेट्स में, और भी चल रहा है कहीं और जगह? हाँ, जैसे आपने हैदराबाद में भी चल रहा है। अच्छा। और ट्विटर पे भी है, लगभग 20 दिनों से हम लगे। कुछ रिस्पॉन्स मिला कहीं सरकारी जगह से, किसी नेता से या प्रशासन से? कुछ पॉलिटिशियंस से, इन लोगों से बस ये है कि उन लोगों ने लेटर्स लिखा है, सर ने, सबने हेल्थ मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट, मिनिस्ट्री को। कितने दिन हो गए लेटर्स? हम अभी भी लेटर्स आ ही रहे, कल भी लेटर्स आए हैं, तो 20 दिनों से लेटर्स कंटिन्यूसली भेजे जा रहे हैं, कोई जवाब, कोई जवाब नहीं। ये थे हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स जो अपनी हड़ताल पर हैं, जो ये अपनी परीक्षा को कह रहे हैं थोड़ा पोस्टपोन किया जाए और इनको तैयारी का जो समय मिले। कई बार मिनिस्ट्री को इन्होंने लेटर भी लिखा है और भी इन्होंने जगह मांगे की हैं, लेकिन इनकी जो मांग है वो सिर्फ इतनी है कि इस एग्ज़ाम को, जो ये परीक्षा है, थोड़ा उनसे लेट किया जाए ताकि इन्हें तैयारी का समय मिले। लेकिन देखना होगा कि आखिर इन्हें कब जवाब मिलता है और क्या मिनिस्ट्री की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से इन्हें कोई छूट दी जाती है, समय और दिया जाता है, इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाता है या नहीं।